रे सुनो, रे एक बात बता दोस्त, करण जोहर ने जहर की खेती कर रखी है के? नहीं, ठेका ले रखा है क्या इसने जहर बोने का? अरे वो गधे गैंड जैसा शो बना दिया रे फिर से, वो बॉलीवुड वाइफ हॉलीवुड वाइफ करके। ना भाई, मैंने तो लगता है तेने देखा ना, मैंने देखा बबीता के दौरे भाई। देखने के बाद मैं तो सोच ले बबीता के दौरे ब्रेकअप कर लूँ, अब बहुत हो गया भाई, ये टॉर्चर ना होगा भाई। मैं गाड़ी अपनी स्कॉर्पियो दे मारूंगा, नहर में डुबा दूंगा अपनी स्कॉर्पियो, लेकिन ऐसे सोना देखूंगा भाई मैं। और एक बात बता बहन, जो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, कह रहा बॉलीवुड वाइफ है। अरे पोंगा पंडित जैसे बहन उनके हस्बैंड है, और कौन से थे वो बॉलीवुड में 50 साल पहले? तब तो बॉलीवुड भी बॉलीवुड ना हुआ करता। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सही। तो भैया 2020 खत्म होने को है, और अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो पूरा का पूरा जो साल था बड़ा ही त्रासदी से भरा हुआ निकला। पहले चीनी बैन, तो चमगादड़ खा के दुनिया की फट गई गांड, सबके सब चले गए क्वारंटीन में। जो थोड़े बहुत हौसले बचे थे लोगों के, वो भी त्रास्त कर दिए सलमान भाई के सिंगिंग करियर। फिर अमेजॉन प्राइम ने एक रेडिएशन से एक्सपोज किया हिंदुस्तानी जनता को, जिस रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा होने लगे और बहुत सारे लोगों का दिमाग अपने स्कल से निकल के एनल कैविटी में चला गया। इस रेडिएशन का नाम था 4 More Shots। बट जस्ट आफ्टर द डे इज द नाइट ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म ट्रूपर वी सर्वाइव। ह्यूमन रेस आगे बढ़ी, खुशहाली भी आने लगी, ऐसा लगा कि भाई अब थोड़ी सी होप है, अच्छी वेब सीरीज आने लगी, अच्छी फिल्में आने लगी बाय चांस ऑन नेटफ्लिक्स। बट देन कुछ यमराज के इनर सर्कल के पुजारियों ने एक जाल रचा, और इन पुजारियों का सरगना था जो हेड पंडित था इनका, वो था करण जौहर। और उसने एक ऐसा सीरियल बनाया और हमारे मुंह पे दे मारा इस हफ्ते, जिसके लिए किसी ने उससे नहीं मांगा था वो सीरियल। तो गाइस, इस हफ्ते मैंने देखा एक हाईली अनइंस्पायरिंग, अनबिलीवेबली डम और मेंटली टॉर्चरिंग शो, जिसका नाम है फैबुलस लाइव्स ऑफ, ट्रेलर लगा देना यहां पे, मैं नहीं बोल रहा इसका पूरा नाम। So not keeping my frustration about how bad this show is aside, इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कहीं पे भी अगर मुझे करण जौहर मिल गया ना, बाय गॉड मैन, चल उसका ना मैंने हाफ फ्राई ऑमलेट बना दिया। तो शो की स्टोरी टाइड अराउंड है 4 हाईली डिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इररेलेवेंट, शेमलेसली एंटाइटल्ड एंड वोरेशियसली जॉबलेस बहनजियों के बारे में, who despite of knowing this fact that they haven't done anything relevant or monumental in their lives, will try to convince you कि वो कितनी ज़्यादा proactive हैं और कितनी ज़्यादा relevant हैं 2020 में। तो शो की पहली बहनजी हैं मही फूफी। मही फूफी के पास बहुत ही उम्दा डिग्री है जिसका नाम है WOSK, यानी वाइफ ऑफ संजय कपूर। दूसरी बहन जी हैं सीमा फूफी, जिनके पास डिग्री है WOSK, यानी वाइफ ऑफ सोहेल खान। तीसरी बहन जी हैं भावना बुई, जिनके पास डिग्री है WOCP, यानी वाइफ ऑफ चंकी पांडे। चौथी बहन जी है नीलम ताई, जिनके पास डिग्री है WOSS, यानी वाइफ ऑफ समीर सोनी। काफी बढ़िया डिग्री लगती है नहीं? और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी प्रेस्टीजियस डिग्रीज मिलती कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तो ये यूनिवर्सिटी भी इज इक्वली एज प्रेशियस एज द डिग्रीज, और यूनिवर्सिटी का नाम है रिच गाय वाइफ यूनिवर्सिटी। तो मैं तुम्हारे को पूरी की पूरी डाइसेक्शन नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूं कि तुम भी तो एसिड रेन में भीगो जैसे मैं भीगा हूं, तुम्हें भी तो घमोरिया हो। मैं तुम्हें बताऊंगा इन 4 बहनजियों के बारे में और ये क्या क्या करती हैं इस शो में, जस्ट टू प्रूव दैट ये कितनी इररेलेवेंट हैं एंड हाउ क्लोज दे थिंक दे आर टू द कार्डेशियन फैमिली। तो पहले बात करते हैं हार्डली वर्किंग, एक्सट्रीमली बुलिंग एंड ऑलवेज क्लासिस्ट महीप की। तो शो के शुरू के कुछ चंद मिनटों में आपको यह समझ आ जाएगा माहिप को देख के कि माहिप साउथ बॉम्बे की एक टिपिकल रिच वाइफ है, जो अपने पीयर सर्कल को डोमिनेट करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हर हस्बैंड हैज डन इन द पास्ट एंड हाउ मच मनी दे हैव। आई एम माहिप कपूर, वी आर लीविंग फॉर पेरिस एंड आई एम मेगा स्ट्रेस। सो बेसिकली माहिप स्पीक्स इन अ वेरी डायरिया इंड्यूसिंग एक्सेंट, जो उन लोगों ने पता नहीं कहां से पिकअप किया था। वो स्विट्जरलैंड में थी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में जहां भी थी वो 10-12 साल के लिए। आई मीन आवर हिस्ट्री गोज बैक टू Before I got married, they attended my wedding. But then, she is in Bombay from the past 40 years or so. और फिर भी वो कोशिश कर रही है अपनी टंग रोल करने की, which is nothing but cringe. महीप को देखने के बाद आपको एक चीज और रियलाइज होगी कि महीप एक बहुत ही कंट्रोलिंग मदर है। उनकी बेटी पोटेंशियली फ्यूचर में पॉपुलर हो सकती है जैसा दिखाया है इसमें, तो वो हर जगह हर पॉइंट पे उसकी बेटी जो भी करती है उनको पिन पॉइंट करती है, उनको नेटपिक करती है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए या उससे नहीं बात करनी चाहिए। सो दिस कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वेरी वियर्ड थिंग। तो अगर आपको लगता है आपने हाइट ऑफ एंटाइटलमेंट देख ली है बॉलीवुड के नेपो किड्स में, वेट टिल यू वॉच द लेबॉल वाला सीन पहले एपिसोड में इस शो के, जहां पर लेबॉल करके एक चैरिटी इवेंट होता है, बहुत ही ज्यादा चैरिटी करी जाती है वहां पे, वो इवेंट दिखाया गया है और उसमें इंडिया से संजय कपूर और माहिप की बेटी जाती है।
predominantly prestigious families from all over the world that are invited for this. पहले मुझे लगा लबॉल में उन रिच किड्स को बुलाया जाता है जो कुछ करने जा रहे हैं, उनके फ्यूचर में कुछ कहीं ना कहीं वो डेब्यू कर रहे हैं, कुछ पोटेंशियली वो बहुत अच्छा बहुत प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं. बट देन माहीप एक्चुअली ओपन्स हर माउथ और वो कहती है कि ये सब तो होना चाहिए बिकॉज हम अपने बच्चों को सोसाइटी से ओपन कराना चाहते हैं इस इवेंट के थ्रू. एंड बेसिकली इट्स द गर्ल्स कमिंग आउट In society. So basically, Mahip अपनी बेटी को रेडी कर रही है टू एंटर द सोसाइटी थ्रू दिस इवेंट. और इस पूरे के पूरे पेरिस के एपिसोड के दौरान सबसे ज्यादा गांड लगती है बेचारे संजय कपूर की. एक शॉट में संजय कपूर और माहीप कपूर कुछ बैठ के खा रहे होते हैं और संजय कहता है कि वो देख भाई वहाँ पे ना एक स्टोर है जहाँ पे मैं 84 में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था. हाउ फार आई हैव कम. यू रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू लाइक मिस सुनीता रिमाइंड मी हैड कम टू पेरिस 84. दैट्स द लीडो. We couldn't afford to come to these kind of places that time. Listening to this, Mahip does not give a fuck about what her husband is saying. वो बोलती है उसके साथ जो स्टोर है ना संजय वहां से मैंने लुई वुटन का बैग लिया था जब तुम 84 में यहाँ पे धक्के खा रहे थे. I bought my Louis Vuitton trolley from there. God, you need to talk about shopping. फिर एक सीन में माहीप और संजय एक पार्टी में जाते हैं जहां पे जाते ही माहीप माताजी शैंपागने का ग्लास उठा लेती हैं और संजय भाई साहब कहते हैं कि भैया मेरी विस्की कहाँ है, मेरा पौआ कहाँ है, मैं क्या पीऊंगा यार, मैं शैंपागने तो पीता नहीं. वो कहती है ओ घोसड़ी के मिस्टर चेंबूर चुपचाप चला जा नहीं तो बैठ से भाग जाए यहाँ से. मिलती है शैंपागने, शैंपागने पिए तो पी ले. तो फक मी डोंट हैव एनी अदर ड्रिंक ओनली शैंपेन. आई डोंट ड्रिंक शैंपेन. व्हाट शुड आई डू? आई एम वेरी हैप्पी. वहन जो संजय भी अंदर ही अंदर सोच रहा है कि वहन जो पैसा भी मैं खर्च रहा हूँ, शराब भी नहीं मिल रही पसंद की पीने को. एक सीन में संजय कपूर को मिल जाते हैं जेटली. अब वो जेटली से क्या बात करते हैं पांच मिनट नहीं होते संजय कपूर को जेटली से मिले हुए. वो कहते हैं जेटली को कि अगर आप अग्री करेंगे, इफ यू अग्री, हमारी बेटियां एक पिक्चर में काम कर सकती है. इस सीन को देखकर मुझे याद आ गए अपने कॉलेज वाले दिन, जब पहले दिन मेरी मम्मी मुझे कॉलेज में एडमिशन भर्ती कराने के लिए ले गई थी. वहां पे उनको एक माँ बाप मिल गया किसी और बंदे के, वो जो मेरी गली में रहता था. कह रहे आप अग्री करिए, सेम वैन करा देंगे दोनों को, सेम गली में से तो आते हैं. जेटली बेंच अंदर ही अंदर कह रहा है कौन है ये, जाना वो चढ़िए फोटो खिंचा ले तो चल. और हाँ वहीं पे एक बहुत ही कूल चाची भी है. और वो कैसे, वो कुछ ऐसे कि अगर आपकी चाची है तो आप अपनी चाची को कैसे ग्रीट करते होंगे, नमस्ते चाची, हाय चाची, हेलो चाची. बट अर्जुन कपूर की चाची है महीप और अर्जुन कपूर इस शो में अपनी चाची को कुछ ऐसे ग्रीट करते हैं. महीप यू शिट. अर्जुन. महीप यू एसहोल. बाय गॉड अगर मैं अपनी चाची को ऐसे ग्रीट करूं ना, मेरे घर वाले मेरा पीट पीट के बहन चो पिस्ताचियो बना दे. एक शॉट में आपको ये पता लगेगा कि महीप का एक लौता बेटा है और उस बेटे को हिंदी बोलने नहीं आती है. वो पैदा यहां हुआ है, पला बड़ा यहां पर है, पढ़ाई भी यहां पर करी है, बट क्योंकि वो साउथ बॉम्बे से है तो उसको उसकी माँ ने हिंदी बोलना नहीं सिखाया. यू नो यू नीड टू स्पीक हिंदी टू बी एन एक्टर. आई नो. यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी? आई एम स्टिल लर्निंग मोर बट नॉट लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए हिंदी थोड़ी आनी चाहिए गाइस. एक जगह तो मेरे को बिल्कुल रोना आ गया. महीप जहां पर इस चीज को एक्नॉलेज करती हैं कि कपूर गर्ल्स जो हैं, जो अप एंड कमिंग कपूर खानदान की लड़कियां हैं, हीरोइन बन रही हैं, जो वो कितना मुश्किल है उनके लिए ये सब कुछ करना. दे आर आउट इन द सन. यू गाइस आर आउट देयर, यू आर ऑन योर ओन, यू आर सो यंग, वर्किंग इन द सन, किलिंग इट. टू व्हिच आई स्टार्टेड क्राइंग कि कितना मुश्किल होता होगा बोनी कपूर की बेटी होना, कितनी मुश्किल से पिक्चरें मिलती होंगी यार. अब बात करते हैं पीतमपुरा कीर्तन मंडली की सेकंड बहन जी के बारे में, जो है नीलम. नाउ इफ यू थिंक माहीप इंग्लिश एक्सेंट वाज बैड एंड क्रिंज, वेट टिल नीलम इंग्लिश एक्सेंट हिट्स यू इन द फेस, इन फैक्ट स्लैप्स यू इन द फेस लाइक अ क्रिंज ट्रेन फुल ऑफ क्रिंज. राइट नाउ माय इक्वेशन विद भावना इज जस्ट ग्रेट. और सबसे एस्टाउंडिंग बात तो नीलम के केस में यह है दैट शी थिंक्स दैट हर एक्सर इज नॉट पुरान and everybody makes fun of hers. Listen, they're always teasing me about my accent. Now what can I do? I'm not putting it on. In fact, even when I was doing movies, okay, people used to make fun of my accent, she doesn't know Hindi properly, but listen, I mean, it is what it is, you know? Yaar, please yaar, Neelam, yaar, Hindi pe bol lo. और जब नीलम अपना fake English accent practice नहीं कर रही होती, वो कर रही होती है scripts को reject, क्योंकि she thinks that she is hot and popping in 2020 और producer मरे जा रहे हैं उनको role भेजने के लिए. I wanted to ask you, I keep on getting these random calls. I've been getting quite a few offers. नीलम के इतने नखरे देखने के बाद I was like, रुकिए नीलम जी, the last thing that I remember was you are popular and in demand in the stone ages of Bollywood, which was 35 years ago. तो नीलम after being very confused कि पिछले 15 साल में जो 30 सेकंड का रोल उनको अब ऑफर हुआ है, वो रोल करें या ना करें, because that role demands a kiss और an intimate scene, वो करें या ना करें, वो चली गई एक suggestion लेने the queen, the one and only the queen of soft porn in India, जिन्होंने इंडिया को मोटलैंड बना रखा है अपने ऑल्ट बालाजी के साथ, एकता कपूर से मिलने.
एंड माइंड यू गाइस, एकता कपूर नीलम के हस्बैंड यानी समीर सोनी को ऑल्ट बालाजी के सॉफ्ट पॉर्न के दरिया में पहले ही उतार चुकी हैं। एक सीन में नीलम कहती है समीर सोनी को, चलो ना यार पार्टी पे चलो, टू विच समीर सोनी सेज, यार मैं नहीं जाऊंगा, पापराजी बहुत फोटो खींचता है बाहर। पापराजी, मैंने कहा यार समीर सोनी इतना झूठ तो मत बोल बहनचोद, तेरी फोटो कौन खींच रहा है। और नीलम की एरोगेंस तो तब दिखती है जब उसको रोल आता है और वो कहती है कि भैया मैं रोल के लिए ऑडिशन नहीं करूंगी। आई वुड नेवर ऑडिशन। तो भैया सीमा व्हेन कंपेयर्ड टू नीलम एंड माहीप बहुत कम शो ऑफ है, बट वो पीयर प्रेशर में आके नीलम और माहीप के बहुत कूल एक्ट करने की कोशिश करती है। और एक चीज और, वो किम कार्डेशियन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और अपने मुंह से बोलती है कि भैया मैं किम कार्डेशियन को डीएम करती हूं। ओकेजनली डीएम, ओके आई एम कन्फेसिंग। अब भैया वो इतनी वॉन भी है कि उसका बेटा योहान खुद कहता है यार मम्मी बस करो यार तुम। और हाँ, नेपोटिज्म के पूरे के पूरे केस के बाद करण जौहर 6-8 महीने के बाद अब स्क्रीन पर नजर आए हैं। एंड जस्ट वेन यू थॉट कि करण ने ये सोचा था कि ओ यू थिंक आई कैन ओनली इंट्रोड्यूस स्टार किड्स, नो बट आई विल नाउ इंट्रोड्यूस स्टार वाइव्स। और कीर्तन मंडली को एक साथ लाते हुए, पूरी की पूरी कीर्तन मंडली को एक साथ जोड़ते हुए आती हैं भावना, विच इज प्रोबेबली द स्वीटेस्ट ऑफ देम ऑल, और मुझे पर्सनली भी वो बहुत अच्छी लगी। वो बेचारी कोई खामा खा का ड्रामा नहीं करती, तो माहीप को ये भी बर्दाश्त नहीं होता, ये डाइजेस्ट नहीं होता, और बार बार कोशिश करती है कि सीमा में और उसके बीच में लड़ाई कराया जाए, पर ऐसा होने नहीं देती भावना, विच ऑल्सो शोज दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी काम एंड वेरी कंपोज। आई पर्सनली लाइक दर वेरी मच। आप लोगों को कैसा लगता है वो आप लोग देखना, पर मुझे भावना लगी द बेस्ट आउट ऑफ द ऑल। शो में बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें भी करी जाती हैं दोस्तों, नेटो और WHO के लेवल का इंटेलेक्ट भी दिखाया जाता है इस कीर्तन मंडली के अंदर। सबसे आउटस्टैंडिंग उसमें बात होती है बीच क्लीनिंग की, जहां पे ये चारों माताएं उठ के बीच क्लीन करने चली जाती है, जहां पे वो जांट क्लीनिंग तो कुछ नहीं करती है, जो बेचारे साथ में एक्चुअली क्लीनिंग कर रहे होते हैं उनको भी नहीं करने देती है, और वो सोचती है बहन तो इन्हें भी कूड़े में डालो ना। एंड देयर इज अ राउंड टेबल डिस्कशन ऑन व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MILF। एंड देयर इज ऑल्सो वेरी हाईली साइंटिफिक, जो आप लोगों को और मेरे जैसे लोगों को, कुछ लोगों को, पेजेंट्स को समझ नहीं आएगी, वो है डिस्कशन ऑन कि भैया अपनी झुर्रियां कैसे मिटाई जाए, बोटॉक्स कब और कहां कैसे कराया जाए। और फिर आता है इस शो का क्लाइमैक्स, जहां पर ये चारों की चारों माताजी अपने मुंडेन लाइफ से लड़कर, अपनी हार्डशिप से लड़कर, अपने एक एक दिन एक एक पल हार्डशिप जो इन्होंने देखी है उससे लड़कर चली जाती है शाहरुख खान और गौरी खान के साथ उनके घर पर पार्टी करने के लिए। बस ये सीजन का फिनाले देख के मुझे व्हाट अ गुड ट्रायम्फ ओवर द इविल व्हाटएवर, जस्ट लाइक दिस शो इज व्हाटएवर। तो बेसिकली ये शो मत देखना, टाइम मत वेस्ट करना, मेरा चैनल देखो, बार बार जाके मेरी सारी वीडियोस देखो, और सोनी लिव पे बहुत अच्छे अच्छे शोज भी हैं, पिक्चरें भी हैं, वो देखो। इस कबाड़ में ध्यान मत दो, मत ट्रेंड कराना इसे नेटफ्लिक्स पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज कर जाना।